सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। और क्या मौजे आ रही हैं? आ भी रही हैं या ऐसे ही वक्त कट रहा है? हाँ, ये देख रहे हो ये आज ये आउटफिट, तो कहीं जाने का प्रोग्राम है, चलते हैं तो फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना? वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर बताएंगे आपको कि आज कहाँ का प्रोग्राम है, ठीक है? चलो मिलते हैं। हाँ, तो जानते हो जो छोटा वाला है ना मेरा, वो जब कुछ ज़्यादा ही छोटा था तो हम लोग गए थे एक होटल में खाना खाने, तो वहाँ पर जो है वो बुफे हो रहा था, तो बुफे में हम लोगों ने खाना वाना खाया और उसके बाद जो है वो हम लाइन में खड़े हो गए बिल देने के लिए, पैसे दिए। पैसे देने के बाद हम जब चलने लगे तो छोटा वाला पूछता है, अच्छा तो पापा यहाँ पर पैसे भी देने पड़ते हैं? उसके तो ख्याल में भी नहीं होगा, क्योंकि शादी ब्याह में जब जाते थे हम लोग तो वहाँ पर जो है वो बुफे होता था, तो वहाँ तो उसने कभी देखा ही नहीं कि हमने पैसे दिए वो खाना वाना खाने के। उसको क्या पता कि लिफाफा भी दिया जाता था वहाँ पर। तो हाँ भाई, नबील भाई, बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिल रहे हैं भाई यहाँ पर। ये आपकी मोहब्बत है सर। और कब आए? 17 को। अच्छा, शिकागो में रहते ही हैं, सेलिब्रिटी हैं। मिलते हिजाज को तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में। ये राइजिंग स्टार है भाई। ये तो अभी और भी लोगों से मिलना है, यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं न्यूयॉर्क से, तो उनसे भी मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अरे सरकार, इतने चांद। मुझे लगता है कि ये व्लॉग जो है कुछ अजीब ही होने वाला है, कुछ बहुत ही खास किस्म का व्लॉग होने वाला है, तो ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी आप लोग देखना, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे हाल चाल है? खैरियत से हैं? मुफ्ती साहब हैं, अयाज मुफ्ती साहब। ये जो है वो ह्यूस्टन के रूहे रवा हैं। मुशायरों में मुलाकात होगी बस, और कुछ तो। ये तो जिंदगी के सिलसिले हैं, कभी इधर कभी उधर। जरा ये न्यूयॉर्क उठ के आ गया यहाँ पर। ये देखिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे रहने दीजिए, नहीं सही बता रहा हूँ। मुझे असल में कैसे ने बताया कि वो शादी में आएंगे, आज भी आएंगे तो नहीं आज रईस वारसी बहुत बड़ा नाम है भाई, न्यूयॉर्क से आए हुए हमारे पास, ये तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें फख्र है इनकी दोस्ती पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई ये फुरकान साहब है, फुरकान साहब दी फुरकान। ये भाई स्टेज पाकिस्तान का स्टेज इनके नाम से शुरू हुआ और इनके नाम से ही जिंदा है। मोइन अख्तर उमर शरीफ और मोइन अख्तर के उस्तादों में से हैं, और उस्ताद है बल्कि, और स्टेज जो है पाकिस्तान का स्टेज इनके नाम से जिंदा है।
इसके अभी तक इसके बानी है ये। और मुझे मुझे खान भाई से मिलने की बहुत ज़्यादा चाहत थी और मैं इनके पास बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था कि मैं इनसे जो है वो डैलस जाकर मिलूं, मगर इत्तेफाक की बात है कि मुलाकात यहाँ हो रही है, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। नईम भाई हमारे भाई हैं, नईम भाई फुरकान हैदर भाई, हम तो बचपन से दीवाने हैं समझ लें आप, फुरकान हैदर साहब के हमने जो है वो इनका नाम से ही हमने टीवी पे काम शुरू किया था और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे, तो इसलिए हम जानते हैं इनको और मुलाकात आज हो रही है। इस्लामे की दुनिया के बेताज बादशाह यहाँ पर बैठे हुए और कहने में तो कोई दुश्वारी नहीं है। अच्छा अच्छा डॉक्टर पीएचडी इनके दम व कदम से जो है। अच्छा और उनके साथ जो है वो राणा साहब भी बैठे हुए हैं और राणा साहब का बड़ा काम है इस मसले पे, तो और भी बहुत सारे लोग दिखाने लगा हूँ यहाँ पर, स्टेज ड्रामा राइटर और सारे लोग बैठे हैं। ये टेबल ही समझ लें पूरी पूरी की पूरी जो है वो बहुत अहम लोगों से भरी हुई है। यूँ समझ लीजिए कि मीडिया यहाँ पर मौजूद है। कब निकले तुम लोग? मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि इकबाल भाई भी यहाँ मौजूद थे, मौजूद थे, आए थे। ये इकबाल बाजार साहब है, हम लोग जानते हैं तहसीन से भी, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत बड़े हथियार भी हैं, ये तो आप सबको पता है। खाना खाइए, खाना खिला रहे हैं और सब खरीद। जिस जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उसको हृदय से थैंक यू, और जिस जिसने नहीं किया है कर लेना, कोई आपत्ति ना आ रही, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।